हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे बिस्किट, ओरियो बिस्किट से चॉकलेट केक। तो कैसे हम बिना ओवन के चॉकलेट केक बनाते हैं आपको दिखाते हैं पूरे वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुँच सके। हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो हमने ले लिया है ओरियो बिस्किट 4 से 5 पैकेट, और हम ले लेंगे चौकोस। चीनी को हमने पाउडर फॉर्म कर लिया है मिक्सी की हेल्प से। इसके बाद हम जो ओरियो बिस्किट्स हैं उनको तोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम इसको ग्राइंड करेंगे तो अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे, इसलिए हम तोड़ के ग्राइंड करेंगे। इस तरीके से हमने सारे बिस्किट्स तोड़ लिए हैं। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। हमने मिक्सी का बड़ा वाला जार ले लिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम चौकोस को भी पाउडर बना लेंगे। चौकोस हमने ले लिया है। अब मिक्स की हेल्प से इस तरीके से हम पाउडर बना लेंगे। इसके बाद एक बड़ा जार हम ले लेंगे। इसमें हमने जो भी बिस्किट्स पाउडर किए थे उनको डाल देंगे। ये डालने के बाद हमने जो चौकोस पाउडर फॉर्म किया था उसको भी हम मिक्स कर लेंगे, और चीनी भी हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध को हमने एक साथ नहीं डालना है। देखिए इस तरीके से हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इनो। हमने 1 चम्मच इनो ले लिया है। इससे जो केक है हमारा बिल्कुल फूला हुआ होगा, या तो आप इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं। इसको इनो को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो से हमारा केक बिल्कुल फ्लफी बनेगा। इस तरीके से हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम केक को बेक करने के लिए एक पैन ले लेंगे। इसमें हमने ऑयल ग्रीस कर लिया है, पर हम आपको दिखाना भूल गए हैं। अब ऊपर से हम डाल देंगे इसमें मैदा। मैदा को हमने चारों ओर से लगा लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम हटा देंगे। अब हम इसमें डालेंगे केक का पेस्ट। इस तरीके से हमने जो भी जितना भी पेस्ट है हमारा है हम इसमें डाल देंगे। अब हमें केक को गैस में बेक करना है। उसके लिए हमने ये ले लिया है पैन। कम से कम हमने पैन को 5 मिनट पहले ही गर्म करने को रख लिया था, और ऊपर से हमने रख लिया है इसमें प्लेट। छोटी सी जो कटोरी है वो हमने रख लिया है, ताकि नीचे से जो हमारा केक वाला पैन रहेगा वो जले ना। अब हम रख लेंगे केक को बेक करने के लिए। इस तरीके से हमने रख लेना है। अब हमें केक को स्टीम देनी है। आपको ऐसे ढक लेना है ताकि जो हमारा स्टीम है वो बाहर ना निकले। कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद हम दोबारा से चेक कर लेंगे कि
केक हमारा तैयार हुआ कि नहीं हुआ देखिए। अभी भी हमारा केक तैयार नहीं हुआ है। हमने टूथपिक ले लिया था, उसमें जो केक के अंदर का पेस्ट है वो हमारे टूथपिक के साथ आ रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। थोड़ी देर और पकाने के बाद अब हम और दोबारा से चेक कर लेंगे। बिल्कुल हमारा केक तैयार हो गया है। इसमें हमने ऊपर से चौको सप्लाई कर लिया था। एक बाउल में हमने चॉकलेट का पेस्ट बना के रख लिया था। इस पेस्ट को हम अप्लाई करेंगे अपने केक के ऊपर। चॉकलेट का पेस्ट इस तरीके से आपको रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। थोड़ी देर हमने फ्रिज में रख लिया था इसको। अब हम केक के ऊपर डाल देंगे। हमारा पेस्ट थोड़ा सा पतला हो गया है, आप इसको और गाढ़ा कर सकते हैं। इस तरीके से हम केक के चारों ओर अप्लाई कर देंगे पेस्ट को। हम बॉटम साइड से भी अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। अब हमने इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए ऊपर से चौकोस ऐड कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। आप इसकी जगह कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास चौकोस पड़े थे तो मैंने डेकोरेशन में चौकोस ले लिए। अब हम ऊपर से डाल देंगे नारियल का बुरादा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। कुछ चॉकलेट चौकोस हम साइड पे भी अप्लाई कर लेंगे। अब हम इसको दूसरी प्लेट में ले लिए हैं। केक को हमने 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेना है ताकि जो हमारा चॉकलेट है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और वो फैले ना। पाँच से 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद हमारा चॉकलेट बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बना है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल जैसे मार्केट में केक बनता है उस तरीके से टेस्ट आता है। एक बार आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।